ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रीतमपुरा के पीयू ब्लॉक में, जहां पर आज गुरु सेवक परिवार के द्वारा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। और इस ट्रेड फेयर में क्या कुछ खास है और कितनी एंजॉयमेंट लोगों के अंदर है, आइए आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर ट्रेड फेयर जो लगा है, इसमें क्या कुछ खास है? ये गुरु सेवक परिवार की तरफ से ट्रेड फेयर लगाते हैं, हम पहले भी लगाते रहे हैं। ये हमारे गुरु श्री अरुण चंद्र जी महाराज की प्रेरणा से जीएसपी परिवार बना हुआ है और बहुत अच्छा ट्रेड फेयर प्लस विवाह सम्मेलन, युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन भी लगाया हुआ है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और बच्चों के लिए गेम भी है और खाने में बहुत लजीज खाना और सब कुछ और बहुत पब्लिक आई हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ये जैन भाइयों के लिए ग्रोथ होती है, आपस में व्यापार बढ़ता है, मिलते हैं जुलते हैं और बहुत सेवा का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आज जो युवक और युवती जो हैं, जो यहाँ पर युवक युवती जो हैं, उनके भी बायोडाटा शेयर किए जा रहे हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? बायोडाटा काफी अच्छे से शेयर हुए हैं और सबके रिश्ते भी कराएंगे यहाँ पर। और क्या कुछ खास है यहाँ पर, क्या कुछ नया है जो जैन परिवार ने आज यहाँ पर पहल करी है उस चीज? 108 स्टोर लगवाए, दुकानें लगवाई हैं और सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे अपना, सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे अपना, खाना भी है, सब कुछ सब खुश है। आपका क्या कहना है कि आज यहाँ पर युवक युवती जो हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके बायोडाटा भी शेयर किए जा रहे हैं, तो ये पहल कैसे हुई? पहल गुरु जी की ही प्रेरणा से हुई है। जैसे आप मिलन होगा तो कुछ ना कुछ उसका फायदा भी होगा आपस में। मतलब और ये जो ट्रेड फेयर है, इसमें आज क्या क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास नया है? ये अपना जितना भी बिजनेस का जो है, आपस में जो ना कनेक्टिविटी है, आपस में जो भाईचारा भी बढ़ेगा उससे बिजनेस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 108 स्टॉल्स हैं, तो वो आपस में कनेक्ट करेंगे बिजनेस के लिए। तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है? मिल रहा है। क्यों नहीं लिखते? तो मैंने कहा, क्या कहा कि बता दूं मैं तुझे एक बात, तो तू हिल ही जाएगी, कसम से गुल बदन तू जान कर ये खिल ही जाएगी। और कही है हर गजल बस माँ पे ही, मैंने पता है क्यों, दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगी। आज इस ट्रेड फेयर का आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो इसमें क्या कुछ खास है? इसमें खास गुरु जी की प्रेरणा से और यहाँ पे जैन भाइयों की आपस में मतलब व्यापार से संबंधित एक दूसरे का मिलन, एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन कह लीजिए। और यहाँ पे व्यापार मेले में हमारे युवक युवतियाँ जो जैन परिवार से है, अनमैरिड है, उनके भी परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और उनके बायोडाटा भी आपस में शेयर किए जा रहे हैं। और यहाँ पे मेन तो व्यापार से संबंधित और बच्चे बच्चियों का बायोडाटा से संबंधित, इसी को मतलब मद्देनजर रखते हुए ये एक ट्रेड फेयर का नाम दिया गया है। यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे शॉप वगैरह लगी हुई है, वो जैन परिवार से ही है अधिकतर। ऐसा नहीं है कि नॉन जैन नहीं लग सकती, वो भी लग सकते हैं, लेकिन जैन एक आपस में परिचय भी हो रहा है, आपस में जैन परिवार का मिलन भी हो रहा है और आपस में एक व्यापार संबंधित आप देखेंगे इसको, तो व्यापार में भी एक दूसरे का सहयोग, एक मंच ऐसा तैयार किया गया है जीएसपी परिवार की तरफ से, जिसपे हम इस मंच के द्वारा हम व्यापार को आपस में सहयोग कर सके। तो आपका क्या कहना है, ये जीएसपी परिवार जो है इतने सुंदर ट्रेड फेयर का आयोजन किया, तो उसमें क्या कुछ कहना है आपका? जीएसपी परिवार ने इतना सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए मैं पूरे जैन समाज का आभारी हूँ। आपको क्या लगता है जीएसपी जो परिवार है उसने इतना सुंदर आयोजन किया? जीएसपी परिवार एक ऐसा परिवार है जो एक बैंक होता है, जिस प्रकार से आपके दूसरे शहरों में ब्रांचेज है
वहाँ से आप बैंक भी उठा सकते हैं। इसी प्रकार जीएसपी की ब्रांचेस फैली हुई है, तो आपके अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जीएसपी परिवार के सदस्य आपको हेल्प करेंगे। वो जिस तरह आप दूसरे ब्रांच से जाकर पैसा निकाल सकते हो, इसी तरीके से आपके जीएसपी परिवार आपकी वह हेल्प करेगा। ये व्यापार मंडल जो लगाया है आपस में एक दूसरे को जो है जाने पहचाने, अपने व्यापार को बढ़ाए। आपको क्या लगता है इन्होंने जो ये पहल करी है युवक युवती के बायोडाटा जो शेयर हो रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? ये गुरु जी का काफ़ी पुराना सपना है, वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे परिचय सम्मेलन कराने की, पर वो हमारी ही हिम्मत नहीं पड़ती थी कराने की। तो इस बार भी हमने मतलब इस तरीके से कराया कि पता नहीं सफल हो पाएगा नहीं पाया, पर आज हमारे जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा सफल हुआ है। तो उसमें हो क्या रहा है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, क्या कर रहे हैं उसमें? उसमें क्या है कि हमारे पास करीबन करीबन 1000 डाटा बायोडाटा इकट्ठे हुए हैं। लड़के वाले भी आ रहे हैं, लड़की वाले भी हैं, कुछ हमारे पास बायोडाटा पहले से थे, कुछ वो साथ में भी आ रहे हैं। तो जो लड़की वालों को लड़का चाहिए वो उसमें से भी चूज कर रहे हैं, और एट प्रेजेंट जो मौजूद है वो आपस में बात भी कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर उनका मिलन भी हो रहा है एक तरीके से, और बिजनेस के लिए ट्रेड फेयर तो लगाया ही है। ट्रेड फेयर जो जीएसपी है, जीएसपी का मकसद ही है सहयोग, ठीक है? तो सहयोग हर तरह का सहयोग, एक दूसरे की हेल्प होए। तो उसमें हमने बिजनेस मेला, ये चौथा बिजनेस मेला है, 2018 से हमने शुरू किया ये, और परिचय सम्मेलन में पहली बार ही है। पर ये जो ट्रेड फेयर लगा है इसमें आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, और क्या कुछ खास है, और क्या क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमने ये स्टॉल्स भी देख रहे हैं ड्रेसेस की और साड़ीज वगैरह, सारी बहुत अच्छी कलेक्शन है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एंजॉयमेंट फुल है? यस, फुल एंजॉयमेंट एंड विंडो शॉपिंग ऑल्सो। एंजॉय कर रहे हो, और एक्साइटमेंट लेवल कैसा है आपका? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें सबसे बेस्ट लगी ट्रेड फेयर में? बेस्ट मैं बच्चों के लिए आई थी, मेरी गुड़िया को बहुत शौक है, इसको मैजिक शो दिखाया और बाकी स्टॉल वगैरह दिखाई। तो बेटा आपने मैजिक शो देखा, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो आपको कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगी? टैटू। टैटूज आपने बनवाए? शो करो आप। ओके, और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर, मैजिक शो भी है, जोकर भी है, डोरेमोन भी है, मिक्की माउस भी है, तो सब कुछ इंजॉय किया आपने? Yes. कैसा लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा। तो मैम आपको कैसा लगा यहाँ पर आज ट्रेड फेयर में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो एक्साइटमेंट कैसी है आपकी ट्रेड फेयर को देख? अभी अभी आए हैं, वैसे देख रहे हैं। आज यहाँ पर प्रीतमपुरा पी ब्लॉक के अंदर गुरु सेवक परिवार के द्वारा इतने सुंदर ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई यहाँ पर अपना एंजॉयमेंट लेवल जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर हर तरीके के गेम्स है, हर तरीके का स्टॉल है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो जैन धर्म है उनके जो अनमैरिड लड़के और लड़कियां हैं उनका बायोडाटा भी आपस में एक्सचेंज किया जा रहा है। तो बहुत कुछ है इस ट्रेड फेयर के अंदर, आप भी आइए, एंजॉय करिए। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं अपूर्वा गोस्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।